नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, भारतीय रेलवे जयपुर से स्वयंमाधोपुर के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू करने जा रहा है। दोस्तों, दो दिन पहले भारतीय रेलवे ने जयपुर से स्वयंमाधोपुर के बीच 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल पूरा किया है। दोस्तों, यह इलेक्ट्रिक इंजन मालगाड़ियों के 10 वैगन के साथ ट्रायल पर उतरा था तथा दोस्तों 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसका ट्रायल परीक्षण पूरा हुआ है तथा दोस्तों जल्द ही रेलवे के द्वारा CRS पूरा होने के बाद जयपुर से स्वयंमाधोपुर के बीच इलेक्ट्रिक इंजन के साथ ट्रेनें दौड़नी शुरू हो जाएंगी तथा दोस्तों लगभग एक महीने के बाद जयपुर से स्वयंमाधोपुर के बीच इलेक्ट्रिक इंजन शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों चूरू रेवाड़ी रेल लाइन पर इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल परीक्षण पूरा हो चुका है, जिससे दोस्तों आने वाले समय में लगभग एक या डेढ़ महीने के अंदर दिल्ली से चूरू के बीच इलेक्ट्रिक इंजन के साथ ट्रेनें चलने शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, चूरू से दिल्ली के बीच मालगाड़ियों की सेवा इलेक्ट्रिक इंजन के साथ शुरू कर दी गई है तथा दोस्तों रतनगढ़ से डेगाना के बीच इलेक्ट्रिक लाइन का काम चल रहा है, जो कि दोस्तों अभी तक सुजानगढ़ तक पूरा हुआ है तथा दोस्तों जैसे ही डेगाना तक इलेक्ट्रिक लाइन का काम पूरा हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों CRS कंप्लीट होने के बाद इलेक्ट्रिक इंजन के साथ सवारी गाड़ियों को चला दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों भारतीय रेलवे के अनुसार अगस्त या सितंबर माह में जयपुर स्वयंमाधोपुर रेलखंड तथा चूरू दिल्ली रेलखंड के बीच इलेक्ट्रिक इंजन शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।